हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारों, की हाल चाल आ? आई होप सारे वधिया होवोंगे जी। वेलकम आ तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल पर। तो हाजिर हाँ जी तुहाडे सामने एक होर स्टोरी लेके, बड़ी इंट्रस्टिंग स्टोरी है जी। ठीक है जी, तो बहुत टाइम ना वेस्ट करते हुए आप सीधा स्टोरी पर आने। ठीक है जी, ये स्टोरी थंबनेल तुसीं आइडिया तो हो गए होना भी स्टोरी का टॉपिक की आ। ठीक है जी, थंबनेल तुसीं देख लिया पढ़ा ही होना। तो उस तो बाद आप गल करते सीधा स्टोरी पर। स्टोरी हुई कित्थे आ? ये स्टोरी मेरी अमेरिका दे विच हुई आ। ठीक है जी, अमेरिका दे विच शिकागो तो गाह एक स्टेट आ। ठीक है जी, उत्थे हुई आ, विस्नोको कुछ एक स्टेट आ। चलो मैं उस बारे आइडिया है नहीं। तो उत्थे मेरी ये घटना हुई सी गुरद्वारे दे विच। किद्दां एक गोरे ने अपनी अपनी रंजिश करके कह सकते हैं भी एडा वर्ग कारनामा करता, तो जिन्हें उन्हें अपने जाने के कल भी किसी ने माइंड वॉश किया जां कुछ होर रीज़न करके उन्हें बिना तलातार गोलियां गोलियां चला दी गुरद्वार साहब च जाके। ठीक है जी, स्टेट के जिमें आप कह सकते भी कि जिम्मे थोड़ा दसा शिकागो तो गाह जी मिलवोको भी कहते हैं उस स्टेट को। ठीक है जी, तो जिमें आप शिकागो तो अगे जाने उस स्टेट आती है। एक घटना 5 अगस्त 2012 हुई जी। ठीक है जी, जदों गुरद्वारे के पाठी सिंह पाठ कर रहा है जी, कुछ थोड़ी मोटी संगत जो दरबार साहब च बाठियां की सुन रही सगियाँ, तो कुछ क संगत अपना लंगर हाल के जो लंगर बना रही सी, तो कुछ छक भी रही सगिया। ठीक है जी, उस दिन ठीक है जी, ये बंदा गोरा अपनी 9 mm की गोली लेके आता 10:25 के एक गुरद्वारे के एंटर हों लंगर हाल जी गोलियां चला चला दरबार साहब जाता, उत्थे भी पाठी सिंह पाठ कर मारता, काफ़ी सारे लोग ये जख्मी भी होंगे ने जी, तो 6 बंदियां की मौत भी हो जाती है जी। ठीक है जी, उस तो बाद की होंगे, चलो ये लगातार गोली चला हड़फड़ हड़फड़ दफड़ी मच जाती है, तो उदो बाद पुलिस को भी कॉल की जाती है। बट उस तो पहला ये काफ़ी सारे लोगों मार चुका, जख्मी कर चुका है जिम्मे थोन हूँ मैं अगे दस ही आ। तो जो पुलिस आँदी है जी, तो ये की करता पुलिस को काबू ना कर सका, इनू भी इनू हाथ ना ला सके पुलिस, ये अपनी कन पट्टी के उत्ते पिस्टल रखता तो अपने आप को मार दिता, सुसाइड कर लैंदा पुलिस के सामने। उस तो बाद FBI की जाँच भी होंगी है जी, इस दिखा जी इस क्योंकि मतलब कि कतलेआम बहुत बड़ा होया जी, कोई मोड़ मोड़ छोटा मोटा तो यह मुख हादसा होया नहीं। जो FBI की जाँच होंगी है जी, तो पता लगता भी इस बंदे पुलिस जो आई सी तो इस बंदे ने इस बंदे तो पुलिस नाल मुकाबला होया, एक दूजे वाल गोलियां बहुत चलिया सीगिया जी। इत्थे एक ब्रायन मर्फी नाम का पुलिस वाले ने बड़ी बहादुरी दिखाई सी, जिदे इस गोरे ने जिदे घट्टो घट 15 गोलियां मारिया सीगिया, कदे किते लगी बॉडी ते, कदे किथे लगी, कदे किथे लगी, बट वह बंदा सरवाइव कर गया सीगा जी पुलिस वाला। बट उस बंदे गोरे दे ढिड दे विच गोली बजी सी, इत्थे पुलिस ने वह काबू कर लिया सीगा। बट ये रामायण तो जां पुलिस तो डरदा कह लो जां अपना मतलब कि कुछ भी ये माइंड दे विच जो आया, ये जां ढिड ते गोली बजी डिग गया, पता लगा भी हुण मैनूं पुलिस ने फड़ लेना, इन्हें अपनी कन पट्टी ते पिस्टल रखी ते अपने आप नूं मारता, मतलब कि सुसाइड कर लिया जी। ठीक है जी, तो जिवें हुण तुहानूं मैं पहले ही दस चुके हां गोलियां चलाउण दा मकसद इस गोरे दा की सी, सिर्फ आपसी रंजिश, हेट, एक धर्म नूं लैके हेट। ठीक है जी, सिखां नूं लैके हेट। मैनूं नहीं, आई डोंट नो भी बंदे क्यों सोचते ने ये चीज़ भी, हर एक मतलब जो धर्म आ कोई भी धर्म आ अपने पंजाब दे विच, इंडिया दे विच जां फिर वर्ल्ड दे विच, वो अपन हेट करनी नहीं सिखाता किसी दूसरे नाल, ये आपस विच ही ये चीज़ लाई हुई है। इन्हें एक हेट के जरिए चलते 6 सिखां नूं मारिया। ठीक है जी, 4-5-6 सिख जख्मी भी होए इस चीज़ के। ठीक है जी, ये बंदा कौन सी हुण चलो आप माड़ा मोटा इस बंदे बारे जानने की कोशिश कर रहे हैं। माइकल पेज नाम का बंदा सी जी, ये गोरा जिसने एक कतलेआम किया। ठीक है जी, 5 अगस्त 2012 गुरु घर जाके 10:30 10:25 तो जो आप बैकग्राउंड की गल करिए जी, ये बैकग्राउंड आर्मी ऑफिसर सीगा जी, आर्मी के कढ़िया होया सीगा क्योंकि ये आर्मी के 24 घंटे ट्रंक रहता सीगा, रज्जा हुआ रहता सीगा दारू नाल, जिस करके इनू आर्मी के कट दिता गया सीगा। तो उस तो बाद जो आप गल करिए 1971 के जन्म होया जी इस बंदे का माइकल का, तो 1971 तो बाद उत्थी
सॉरी कलराडो वगैरह शहर के पलिया पुलिया ठीक है जी। उस बाद आर्मी गया, आर्मी से दस दिता पर कड़ दिता। फिर उस तो बाद 7 साल डेनवर वर्गे शहर के रहा जी, 2002 तो लैके 2007 तक ठीक है जी। तो उत्थों तो ही ये मान लो ये इस बंदे का माइंड वॉश ला लो जां इस बंदे नूं कुछ भी ला लो भी स्टार्ट होया भी इन्हें एक घटना नूं अंजाम देना जां इस तरीके की होर कोई घटना नूं अंजाम देना ठीक है जी। तो यह उस समय दे विच कि यह जिवें हिटलर दे ग्रुप चलदे हुंदे सी नाज़ी ग्रुप का मैंबर भी रहा है उस सत्त सालों के ठीक है जी, जिहदे विच सिर्फ इहनूं यही चीज़ सिखाई जाती सी कि भी आपां कितां दूजे धर्मां नूं मारना खत्म करना अपना आप किवें उच्चा रखना। तो 2006 तो लैके 2010 तक ट्रक भी चलाउंदा बट उत्थे भी ड्रिंक एंड ड्राइव के चक्कर दे विच फड़िया गया तो जेल जा चुका सॉरी सस्पेंड हो चुका सी इहदा अपना लाइसेंस ठीक है जी। तो मतलब कि अपनी लाइफ के इदां दे कारनामे बहुत ज़्यादा किए हुए हैं ठीक है जी। 24 घंटे हर वक्त रजा रहिंदा सी चाहे जॉब पर होवे चाहे जॉब पर ना हो। उस तो बाद जी जदों उत्थे ड्रिंक एंड ड्राइव के फड़िया गया तो लाइसेंस का कैंसल होया। उस तो बाद इहदी माँ हुंदे ने ठीक है जी, इहदी माँ हुंदे माँ तो अलग रहन लग जांदा सी किसी अपार्टमेंट के इदा ही रेंदे रेंदे फिर जिवें पहले ही नाज़ी ग्रुप का हिस्सा करके इहदा माइंड वॉश होया होया सीगा। माइंड वॉश के चक्कर च 5 अगस्त 2012 नूं फिर इहने इस घटना नूं अंजाम दित्ता जिथे इहने लगातार गोलियां चला के अपने सिख बंदे उत्थे गुरद्वारे दे विच मारे ठीक है जी। उन्हां दे विचों जिवें आपां नां ला सकते हैं परमजीत कौर ठीक है जी 41 सालों की, सतवंत सिंह 65 सालों का, सीता सिंह जो ग्रंथी सिंह सीगा पाठ कर रहा सीगा जी 41 सालों का ठीक है जी, रणजीत सिंह 49 सालों का, सवेक सिंह 84 सालों का। इन्हां विचों 4 तां सिटीजन हो चुके सी बाकियां दी हजे सिटीजन रहिंदी रहिंदी सी। इस तरह इकने वारी वारी करके इत्थे इह सिंघां नूं उहने मारिया ठीक है जी। तुसीं अज वी उस गुरद्वारे च जा सकदे हो ते उत्थे तुहानूं इहनां दीआं फोटोआं जरूर मिलणगीआं जी ठीक है जो लगे होइआं ने। ते चलो इस तों बाद उह घटना हुंदी आ जो चलो उह गल हो गई होवेगी बट आपां जे इक दूजे वे नाल सोचीए इक अपने मतलब कि हर पासे किसी भी धर्म में आपां पक्ष रख के मैं मान लो सिख कम्यूनिटी तो बिलोंग करता बट आपां मैं वह चीज़ नहीं करता सारे धर्मों को इक्को रख के देखे तो सिख कौम का जिगरा किड्डा जी ठीक है जी। इन्होंने जो ब्रायन मर्फी सीगा मर्फी जो अपना ब्रायन मर्फी नाम का पुलिस अफसर से जिन्हें अपनी बहादुरी मतलब कि जिन्हें पसीने से 15 गोलियां खाइया से उस बंदे को काबू किया सिखा ने उसनों $10,00,000 $10,000 इनाम वजो दिता उसकी बहादुरी दे दी ब्रेवी ठीक है जी। उस तो बाद अपना युवा सिटी के दो सिखा ने उसनों $1,00,000 दिता ठीक है उस अफसर उसकी बहादुरी लई। देखो जी किड्डा मतलब कि कह सब जिगरा तो किड्डा मतलब कि दिल है इन्हों का सिखा सिखा जी सिखा का। उस तो बाद काफ़ी ज़्यादा काम चलिया वो जो उस गोरे की माँ सी ठीक है जी माइकल दी उसने भी सिखा तो माफिया मंगिया ठीक है जी। चलो सिखा ने माफ़ करता भी ये माफ माँ जी तो कोई गलती नहीं सी माँ ने माफ़ी मंगी भी मेरे भी मेरा मुंडा इदा किसी ग्रुप का वह नहीं सीगा भी थोड़ा कोई गलत फहमी होंगी भी इदा का किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं सीगा अपना हिटलर वर्ग का। चलो सच्चाई तो फिर भी सामने आ चुकी सी सिखा ने उन्होंने माफ़ कर दिता सीगा जी। उस समय दे विच जी ओबामा की वाइफ ने भी काफ़ी कैंडल मार्च कढ़े तो माफ़िया मंगिया सिख कौम तो ठीक है जी। ओबामा ने भी माफ़ी मंगी सिख कौम तो जिवें हर उत्थे एक मिनिस्टर लाइक जिवें मेयर हुंदा जी हर एक बंदे ने सिख कौम तो उस समय माफ़ी मंगी सी जी ठीक है जी। कैंडल मार्च तो चलो उस टाइम बहुत होए सिखा दे विच सिक्योरिटी दे विच कैंडल मार्च भी इन्हां दी सारिआं दी आत्मा दी परमात्मा नूं अरदास कीती भी इन्हां दी आत्मा नूं शांति दित्ती जावे ठीक है जी। तुसीं मैं जिवें दस चुका अज भी इस गुरु घर जाओगे तो इन्हां दीआं फोटो उत्थे लगियां होणगीआं जी। जे आपां करिए दूजी साइड की गल करिए अपना उस छे सिंघां दे विचों जिहड़ा डैथ होई सी उहदे विचों छेवां बंदा सीगा ठीक है जी पंजाब सिंह बाबा ठीक है जी। इन्हां दे सिर च गोली लगण करके वह पैरालाइज़ हो गए सीगे ते 7 साल हस्पताल दे विच रहे सीगे ते उहनां दी भी 2 मार्च 2020 नूं डैथ हो चुकी सीगी जी। सो इस करके इदां उहने छे इस वेले उस बंदे उस घटना दे विच 6 बंदे मारे जी उहनां ने ठीक है जी। किहदे करके इक हेट करके अज जी कहानी इत्थे खत्म होंदी है जी ठीक है जी। आई होप थोनू मेरे समझाउण दा तरीका कहानी दे विच
वीडियो के मेरे समझाने का तरीका थोड़ा वधिया लग्या होना जी। जे कोई मेरे तो वर्ड उत्ते थले हो गया तो वो मैं माफ़ी मंगदा जी। तुसी आप भी नैट के उत्ते जाके इस चीज़ बारे इस घटना बारे सर्च कर सकते हो जी। ठीक है जी, ठीक है जी। तो विस्कॉन्सन नाम की स्टेट है जी ये। ठीक है जी, उत्थे तुसी जा सकते हो। गुरुद्वारे दे विच सब कुछ थानू मिल जूगा जी, पिया फोटा वगैरह। ठीक है जी, तो फिर भी आप गल करते हैं जी भी जिमें हर एक धर्म अजक धर्म के बहुत रौले चल रहे हैं जी। ठीक है जी, एक दूजे के अगला जान का वैरी होया हुआ है। मतलब कि धर्म आपू किसी हेट करनी, किसी ने दुश्मनी करनी, किसी लड़ाई करनी, किसी को मंदे बोल बोलने नहीं सिखाता जी। ठीक है जी, धर्म तो आपू जोड़ा पर हर बंदा नहीं आप कह सकते, पर जोड़े मेन कह सकते उतले बंद ने उ ही आपस में लड़ा के सियासतबाजिया करके धर्म का पाठ पवाई जाते ने, पवाई जाते ने, जिदे करके अपने देश के दे हर एक बंदा अपने धर्म में उच्चा मानता, दूजे मानता। देखो जी, रब एक ही होंगे। चलो ये टॉपिक तो आप नहीं जाते, बट वाहेगुरु साहब का एक है, रब एक है जी, परमात्मा एक है, जान एक बंदे देनी है। सो आप धर्म के ना तो ना लड़िए किसी नाल। ठीक है जी, सब धर्म इको इको ही होंगे ने, तो सब की रिस्पैक्ट करो जी, सारे धर्मों की, चाहे वह कोई भी धर्म का बंदा हो, हर बंद की रिस्पैक्ट करो जी। तो बाकी जी मिलते हैं आप नैक्सट वीडियो के बच्चे। एक बार फिर जी मेरे तो कोई गलती हो गई हो मैं माफ़ी मंगदा जी, जब मेरे तो कोई होर बोल बोल लिया गया हो माफ़ी मंगदा इस वीडियो के। जे बाकी जो थोड़ा वीडियो वधिया लगी तो इसनू स्प्रैड करो, शेयर करो। तो जोड़े अज इस चैनल पर नवे आए हैं तो पैनी पल टीवी चैनल में सबसक्राइब कर लो, इदा दर अगे वीडियो भी अपलोड करते रहेंगे जी। धन्यवाद।